जैन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्ट पर। दोस्तों आज मैं लाया हूँ हायर सेकेंडरी पूरक परीक्षा 2022 हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का पेपर। दोस्तों जो आपका रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है 12 जुलाई 2022 को, दोस्तों यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है। दोस्तों आपको इस वीडियो में, ठीक है, सेट ए उसके बाद उस सेट बी बताऊंगा, ठीक है। आपके जो पेपर आने वाला दोस्तों सेट ए और बी के रूप में आएंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देख लो, दोस्तों यहाँ पर ये सेट नंबर ए है, ठीक है। दोस्तों इस पेपर के यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 70 नंबर के, पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का इस पेपर के यहाँ पर समय रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर इस पेपर में टोटल 26 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और ये पेपर आपके एग्जाम में हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में आने वाला है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यान में पढ़ लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमको यहाँ पर निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यान में पढ़ लीजिए जिससे आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाओ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आने वाला। दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ पर समझ लीजिए, जल के साथ पेंटी गई अंडे की सफेदी किस प्रकार का कोलाइड है, ये आपको बताना है। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एटॉक्सी बेंजीन की संरचना बताइए। दोस्तों एटॉक्सी बेंजीन की संरचना आपको बताना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही इनके आंसर आपको याद करना है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, आपको बताना है। यह आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहां पर हमारा 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, सेनेमेल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखे है। दोस्तों इसमें IUPAC नाम लिखना है, ये आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये आपके 1-1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या पूछे, यहाँ पर समझ लीजिए, निम्नलिखित को बढ़ती सार्जियता के क्रम में लिखे। दोस्तों यहाँ पर बढ़ती सार्जियता के क्रम में लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए आपको इसको बढ़ती सार्जियता के क्रम में लिखना है। ये आपके 2 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्या कारण है तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है। आपके एग्जाम 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखे। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखना है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और दोस्तों इनके आंसर आपको आपकी बुक से आसानी से मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपकी यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, ये आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है, सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है। यदि आपको पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री एग्जाम में अच्छे नंबर लाना प्लस पास होना हो तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके एग्जाम यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके एग्जाम यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 16 क्वेश्चन देख लिए, 16 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। 17 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए, 18 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 1900 क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 1900 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ 200 क्वेश्चन देख लीजिए, 200 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2100 क्वेश्चन देख लीजिए, 2100 क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाइए। दोस्तों यहाँ पर दिया दोस्तों हमको अभिक्रिया दी गई है, इक्वेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पर फिंडल क्राफ्ट अभिक्रिया दिया दोस्तों, दूसरा दिया दोस्तों सेंड मेरर अभिक्रिया दी है। ये आपके एग्जाम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2200 क्वेश्चन देख लीजिए,
22 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, आप 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 23 क्वेश्चन से लेकर ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 23 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है ठीक है। यहाँ पर 23 क्वेश्चन देख लीजिए, या फिर इसका अतोल क्वेश्चन भी आप कर सकते हो ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर 24 क्वेश्चन दिया है, 24 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए 24 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका अतोल क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा यहाँ पर 25 क्वेश्चन देख लीजिए, 25 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपको दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन का ए वाला दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन का यहाँ पर हमारा अतो वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारा इस पेपर का सेट ए का लास्ट क्वेश्चन बच गया दोस्तों, यहाँ पर 26 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, या इसका अतोल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा ठीक है। यहाँ पर इसका अतोल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से दिया है। तो आपको क्या करना है, दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से याद कर लेना है ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा सेट ए कंप्लीट हो गया है ठीक है। केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान का पेपर का हमारा सेट ए कंप्लीट हो गया है। इस पेपर को आप अच्छे से लगा लीजिए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर सेट बी पर ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हायर सेकेंडरी पूरा परीक्षा 2022, हायर सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2022 दोस्तों। यहाँ पर जो केमिस्ट्री का सेट बी ये पेपर दोस्तों, इस पेपर में भी दोस्तों 26 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर समय रहेगा दोस्तों 3 घंटे का इस पेपर का यहाँ पर समय रहेगा। और दोस्तों इस पेपर का यहाँ पूर्णांक रहेगा 70 नंबर के पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। और दोस्तों ये पेपर इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों, मतलब दोनों वर्जन में आने वाला है ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लिया हमको, यहाँ पर सबसे पहले हमको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आप इन निर्देशों को ध्यान में पढ़ लीजिए, जिससे दोस्तों आप प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिख पाओ ठीक है। जितने शब्दों में यहाँ पर पूछा है उतने शब्दों में आपको प्रश्नों को उत्तर देना है ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यहाँ पर एक एक नंबर क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के जो प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम में एक एक नंबर के आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन देख लीजिए, AS2S3 साल के स्कंदन में निम्न से कौन सी अधिक प्रभावी, यह आपको बताना है, ये आपके एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लिए, ये भी आपके एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर एक क्वेश्चन एक नंबर का आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देख लिए, चौथा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों ये आपके एक एक नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पर, दो प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन जो छठे क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अब दो नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आठवां क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर दो नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नौवां क्वेश्चन देख लीजिए, नौवां क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप दसवां क्वेश्चन देख लीजिए, दसवां क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में दो नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ग्यारह क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ग्यारह क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर तीन नंबर क्वेश्चन आने वाला है ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12 क्वेश्चन देख लिए, 12 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को अच्छे से समझना है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सेट ए प्लस दोस्तों सेट बी दोनों को अच्छे से लगा लेना, जिससे दोस्तों आपके 70 में से ठीक है पेशेंट नंबर आराम से आ सकेंगे ठीक है। ये गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपके पेशेंट नंबर आराम से आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख लिए, 13 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आप 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी ये दोनों सेट कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ठीक है, बस दोस्तों इस चैनल के सिवा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 क्वेश्चन देख लिए, 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, 15 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन देख लीजिए, 16 क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, ये आपके एग्जाम 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन देख लीजिए, 17 क्वेश्चन भी हाँ आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों यदि मैं आपको प्रश्नों को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत आएगी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों यहाँ पर 18 क्वेश्चन देख लीजिए, 18 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों 19 क्वेश्चन देख लीजिए, 19 क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन देख लीजिए, 20 क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है।
अब दोस्तों यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिए, 21 क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी एग्जाम में 3 नंबर क्वेश्चन आने वाले दोस्तों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे है दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए। निम्नलिखित में पासवर्डों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीजन संख्या आपको निकालना है, ठीक है, ये आपके 3 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन देख लीजिए, 22 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, तो ये आपके 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर 23 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया दोस्तों इसका अतवल क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 23 क्वेश्चन के यहाँ पर अतो क्वेश्चन दिया है, इसका अतवल क्वेश्चन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा 24 क्वेश्चन देख लिया, 24 क्वेश्चन से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 तक प्रत्येक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 5 नंबर के आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन, यहाँ पर 24 क्वेश्चन देख लिया, 24 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, या फिर इसका अतवल क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। यहाँ पर इसका अतवल क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आपको 5 अभिक्रिया दिया है, ठीक है, 5 ही अभिक्रिया को आपको समझाना है। प्रत्येक अभिक्रिया आपकी एग्जाम में एक नंबर के आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा 25 क्वेश्चन देख लिया, 25 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद इसका अतवल क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लिया, 25 क्वेश्चन का इसका अतवल क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 26 क्वेश्चन देख लिया, इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा दोस्तों सेट बी का, ठीक है। यहाँ पर हमारा 26 क्वेश्चन बचा दोस्तों, 26 क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, या फिर इसका अतवल क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। आपको दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिख कर याद करना है, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारा दोस्तों सेट ए और बी कंप्लीट हो गया दोस्तों। आपको हमारे इस चैनल पर सभी प्रकार के पेपर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, सीजी बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड के, ठीक है, सभी प्रकार के आपको पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। जल्दी से चैनल के अंदर जाइए और सभी पेपर अच्छे से देख लीजिए और याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको इन दोनों सेट की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसके साथ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाए। और यदि किसी स्टूडेंट की यहाँ पर किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।